हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। गुलमोहर है मॉडर्न फैमिली की कहानी। फिल्म में परिवार की डोर शर्मिला टैगोर जोड़ेंगी। लंबे अरसे बाद एक बार फिर शर्मिला टैगोर अपने एक्टिंग का जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं। और इस फिल्म में ना सिर्फ आपको मॉडर्न फैमिलीज की प्रॉब्लम्स दिखाई जाएंगी बल्कि रिश्तों की डोर को कैसे संभालना है ये भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। गुलमोहर एक ऐसी फैमिली की कहानी है जिसमें आपको घर तो बड़ा दिखेगा लेकिन परवरिश छोटी होगी। एक तरफ जहां फिल्म रिलीज के लिए तैयार है तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म का प्रमोशन भी जोर शोर से जारी है। मंडे मॉर्निंग मनोज वाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर का दिल्ली में ग्रैंड प्रमोशन हुआ जहां पर फिल्म की पूरी स्टार कास्ट और डायरेक्टर एक साथ दिखे। लेकिन इस इवेंट की लाइमलाइट शर्मिला टैगोर ने बटोरी। मल्टी कलर साड़ी में शर्मिला सचमुच एवरग्रीन ब्यूटी दिख रही थी। इसी के साथ इस फिल्म के जरिए शर्मिला अपना OTT डेब्यू भी करने वाली है जिसमें मनोज और शर्मिला का इंटेंस कन्वर्सेशन आपका दिल छूलेगा। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं क्या कहना है शर्मिला टैगोर का इस फिल्म के इमोशनल सीन्स को लेकर। स्पीक दोस लाइंस ऑटोमेटिकली द परफॉर्मेंस कम्स, यू नो हाफ द वर्क इज डन एंड लाइक आई से इशित इज बिहाइंड द कैमरा सो देयर इज नो परफॉर्मेंस नीडेड बट एवरीवन हैज दैट। सूरज मेड मी क्राई मेनी टाइम्स बिकॉज़ I am very connected with this generation because this generation doesn't know where they are going. True. You know, बहुत ऐसे हैं कि full of conflict, or love क्या है, शादी is such a responsibility, where the money is coming from, job कहाँ है. I can see हमारे time पर ऐसा नहीं था. We all matric करने के बाद कोई ना कोई employment मिल जाता था। इसी के साथ OTT किंग मनोज वाजपेयी ने OTT के बूम पर बात की। एक्टर ने ना सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के एडवांटेजेस बताए बल्कि अपने को स्टार को अप्रिशिएट भी किया। नाउ यू हैव फिल्म्स ऑन OTT एंड देयर आर सो मेनी OTT प्लेटफॉर्म्स, देयर आर सो मेनी न्यू डायरेक्टर्स फाइंडिंग जॉब्स, दे आर रेयरिंग टू गो, दे आर डेस्परेट टू टेल देयर स्टोरीज एंड फॉर देयर ओन स्टोरीज दे वांट टू मीट the actors who are right for the characters. So Suraj, yes, you are right. Suraj coming in this time, growing up in this time, in his 20s in this time, he's at an advantage. He's a skilled actor. He's a talented actor. वही फिल्म के डायरेक्टर राहुल भी इवेंट पर मौजूद थे। डायरेक्टर ने मीडिया से बात की और फिल्म के टाइटल के पीछे का खास रीजन भी शेयर किया। I think so because such a beautiful word. You hear the word and you remember Gulzar Saab's songs to begin with, which brings a smile to your memory. It's very nostalgic, and there's some amount of mystery in the word, and it's very Delhi, because you drive down the streets of Delhi in a particular season, you'd see the trees of Gulmohar blooming on either sides, which is so beautiful. So very early on, my co-writer and I, Arpita Mukherjee and I, we decided on the word Gulmohar because I love the flower and I love, Gulzar Saab's song, Gulmohar Ghar Tumhara Naam Hota. I love that song. Well, Gulmohar release होने वाली है 3 मार्च को, तो अपने जरूरी शेड्यूल से वक्त निकालिए और इस फिल्म को देखिए और समझिए। ब्यूरो रिपोर्ट, E24. जी सिने अवार्ड्स की देखिए हाइलाइट्स। स्टार स्टडेड शाम में सितारों ने दी बाइट। ब्यूटीफुल कृति, शाइनिंग कियारा, सिजलिंग रश्मिका, ऑलवेज स्माइलिंग आलिया।
2023 के ग्रैंड अवार्ड शो की हाइलाइट्स बॉलीवुड रिपोर्टर आपके लिए लेकर आ गया है। सज धज कर पूरे स्वैग और अंदाज के साथ रेड कार्पेट पर बी टाउन की डिवास का सेसी अवतार देखा गया। अदिति पोहनकर हो या फिर दिव्या दत्ता, अवार्ड नाइट पर सभी एक्ट्रेस चार चांद लगाती नजर आईं। बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर अयान मुखर्जी भी अवार्ड शो में कैप्चर हुए। डायरेक्टर की ब्रह्मास्त्र को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। ऐसे में ब्रह्मास्त्र पर किसी इवेंट पर बात न हो ऐसा कैसे पॉसिबल है? अयान ने क्या कहा सुनिए। ब्रह्मास्त्र 2 के बारे में जो मैंने पहले कहा, एक्चुअली वही सिचुएशन है। हम फिल्म पे मतलब जोरदार काम कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र 2 पे काम, स्क्रिप्ट पे काम बहुत जोरों से चल रहा है। वी आर वर्किंग हार्ड, बट व्हेन द राइट टाइम कम्स वी विल स्पीक मोर अबाउट द प्रोजेक्ट। अयान के बाद इवेंट पर शाहिद कपूर पहुंचे। साशा इस वक्त फर्जी की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। वहीं मीडिया से अपनी अपकमिंग फिल्म पर भी एक्टर ने बात की। Yes, I have a film with Ali Abbas Zafar. That's an action film. वो आएगी, इसी साल आएगी। And then I'm doing a film with Madif, with Priti Sanon. वो भी इसी साल आएगी। So I have two more releases this year. The first film is an action film with Ali. And this is going to be a high concept, romantic, quirky, comedy, something like that. अवार्ड नाइट के बाकी गेस्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ, जितेंद्र, गुलशन ग्रोवर, नवाज, दर्शन, संजना, बाबिल, रश्मिका, विवेक, पल्लवी, बॉबी जैसे एक्टर्स को स्पॉट किया गया। अनुपम खेर को बेस्ट एक्टर अवार्ड के साथ नवाजा गया। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए एक्टर को ये अवार्ड दिया गया। रेड कार्पेट पर पूजा हेगड़े, प्रीतम, बोनी कपूर, सुभाष घई ने एक के बाद एक अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ब्लैक कोर्ट ड्रेस में रेड कार्पेट पर बिजलियां गिराती दिखी, जिनके बाद कार्तिक आर्यन को कैप्चर किया गया। मिस्टर आर्यन को भी बेस्ट एक्टर अवार्ड के साथ नवाजा गया। वहीं एक्टर ने मीडिया के साथ अपनी खुशी तो एक्सप्रेस की ही, साथ ही सत्य प्रेम की कथा पर भी बात की। सत्य प्रेम की कथा ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है फिल्म, और उसकी रिलीज इसी साल है। और बस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस फिल्म को लेकर भी, क्योंकि रोमांटिक फिल्म, आउट एंड आउट रोमांटिक फिल्म कर रहा हूँ। और बस मतलब मेरे बहुत करीब है वो फिल्म की स्क्रिप्ट, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट अगेन। एंड या कार्तिक के बाद अवार्ड नाइट की शाम को और भी खास बनाने के लिए पूजा हेगड़े पहुंची, जो काफी गॉर्जियस लग रही थी। पूजा के बाद एवरग्रीन एक्टर अनिल कपूर हमारे कैमरे में कैप्चर हुए, जहां एक्टर ने पहले तो नाइट मैनेजर के नेक्स्ट सीजन की अपडेट दी। नाइट मैनेजर को बहुत बहुत शुक्रिया। नाइट मैनेजर इट्स कम्प्लीटली मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इतना ज़बरदस्त उसको रिएक्शन मिलेगा और इतनी तारीफ होगी, और सबके काम की बहुत तारीफ है और मुझे बड़ी खुशी है। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो जून 2 को रिलीज होगा। और फिर अनिल ने नाना बनने की खुशी भी जाहिर की। सबसे पहले मुबारकबाद पूछना चाह रहा, सबसे बड़ा अवार्ड तो वो था, सबसे पहले वो अवार्ड मिला मुझे कि मैं नाना बन गया, यू अंडरस्टैंड। सो दैट्स अ वेरी गुड अवार्ड, सो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड एंड टू माय फैमिली एंड एवरीबॉडी, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, बहुत बहुत खुश हूँ। अवार्ड नाइट के गेस्ट में कियारा भी मौजूद थी। शादी के बाद एक्ट्रेस रेड कलर की शिमरी सिजलिंग हॉट ड्रेस में कैप्चर हुई। कियारा ने मीडिया से बात करते हुए शादी के बाद पोस्ट वेकेशन वाली अफवाह को भी कंफर्मेशन दे दी। किसने बोला हमने छुट्टी नहीं लिया, लेके आ भी गए वहाँ। वहीं कियारा के बाद अवार्ड के रेड कार्पेट पर आलिया भट्ट और वरुण धवन को देखा गया। ऑलिव ग्रीन ब्यूटीफुल ड्रेस को एक्ट्रेस ने हाई ब्लैक हील्स के साथ पेयर किया था। मीडिया से बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ने आरआरआर की सक्सेस को भी सभी के साथ शेयर किया। नथिंग, आई जस्ट थिंक इट्स अमेजिंग, इतनी खुशी की बात है। आई थिंक इट जस्ट प्रूव्स दैट द पावर ऑफ कंटेंट, और आई थिंक यहाँ बैठ के हम सब इतने प्राउड और इतने खुश फील कर रहे हैं कि यू नो अ फिल्म फ्रॉम हियर, फ्रॉम आवर इंडस्ट्री इज गोइंग ऑल द वे देयर। आई जस्ट थिंक इट्स अ रियली लवली स्वीट हैप्पी थिंग। वेल, अवार्ड नाइट की शाम वाकई खास थी। लंबे वक्त के बाद एक ही छत के नीचे बॉलीवुड के इतने सारे सितारों की झलक एक साथ जो देखने को मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट। रेमो की फिल्म से बाहर हुए सलमान अब अभिषेक के साथ करेंगे फिर से फिल्म स्टार्ट। आपको शायद याद होगा कि 2017 में सलमान ने रेमो के साथ डांसिंग डैड नाम की इमोशनल डांस बेस्ड फिल्म पर काम करने की इच्छा जाहिर की थी। इस फिल्म की कहानी एक पिता की थी जो अपनी बेटी के डांसर बनने के सपने को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन फिल्म को लंबे वक्त के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया
और दोनों ने रेस 3 में साथ काम किया। और अब 6 साल बाद खबर आ रही है कि रेमो इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उनके दिल के बेहद करीब है। खास बात यह है कि रेमो की डांस बेस्ड इस इमोशनल फिल्म में अब अभिषेक बच्चन के साथ काम कर रहे हैं। सोर्सेज की माने तो इसे फिलहाल के लिए डांसिंग डैड कहा जा रहा है और अगले महीने ये फिल्म फ्लोर पर जाने के लिए तैयार है। वहीं फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम पहले ही शुरू हो चुका है और टीम अभिषेक और एक छोटे बच्चे के साथ इस अनूठी डांस फिल्म को शूट करने के लिए एक्साइटेड भी हैं। वैसे रेमो की ज्यादातर फिल्में डांस से जुड़ी कहानियों से होती हैं और ये फिल्म रियलिटी में एक नॉन डांसर के बारे में है जो अपनी बेटी के सपने के लिए ये आर्ट सीखता है। खबरों की माने तो डांसिंग डैड को एक बिग OTT प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट रिलीज के लिए प्लान किया गया है। यहाँ तक कि सौदा भी तय हो गया है और OTT प्लेटफॉर्म जल्द ही इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी करेगा। वहीं अभिषेक के अलावा मेकर्स दो एक्ट्रेस से भी बात कर रहे हैं, एक जो बेटी की माँ के रोल में नजर आएंगी और दूसरी वो जो डांस टीचर का रोल प्ले करेंगी। वैसे मेकर्स और पूरी टीम के लिए ये फिल्म एक मैराथन होगी, क्योंकि मार्च में फिल्म का शेड्यूल स्टार्ट होगा और इसे जून तक खत्म भी करने का प्लान है, जिससे कि फिल्म ईयर एंड तक OTT पर रिलीज हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।